फैमिली कैसे है आप लोग? आई नो गाइज, मैं बीच में पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी जब मैं आप लोग के लिए पोस्ट कर सकूँ तब मैं आप लोग के लिए डेफिनेटली पोस्ट करूँगी। मैं प्लान कर रही थी परसों आप लोग के साथ आपको एक सरप्राइज़ देने का, बट देखते हैं गाइज कैसा जाता है, हेल्थ कैसी रहती है एंड ऑल, फिर मैं आप लोग के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए गाइज आप लोग को शॉर्ट्स रोज़ मिलते रहेंगे, मैंने शॉर्ट्स का कर दिया है। अभी मेरा कह नहीं सकते, कभी गला ख़राब हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, रोज़ अलग ही प्रॉब्लम हो जाती है, बट मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि आप लोग के लिए फेस वीडियोज़ बना सकूँ। मैं खुद आप लोग के लिए फेस वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ एक्चुअली। देखते हैं गाइस कि आपके DM की क्या एनर्जीज है टूवर्ड्स द कार्मिक, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं कार्मिक के बारे में। और जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ है, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो देखते हैं गाइस कि क्या आ रहा है। और मेरे साथ कम्युनिटी पोस्ट पे जुड़े रहिएगा गाइस, आप कोई भी अर्जेंट डाउनलोड होगा मैं तुरंत लिख दिया करूँगी। और आज मुझे आया कि आप लोग अपने स्पिरिचुअल जो भी प्रोग्रेसेस है वो अपने DM के साथ ना शेयर करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये क्यों मुझे, मतलब जो भी आप उनको बता रहे हो स्पिरिचुअल प्रोग्रेसेस, उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे डरा रही है ये सब बता करके। उनकी का दिमाग इतना 3D में फंसा हुआ है, उनके नीचे के 3 चक्रा के अलावा और कोई चक्रा चलता नहीं है, और हमारे ऊपर के चक्रा चलते हैं तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है ये हम लोग को डरा क्यों रही है, ये ऐसी बातें मुझे बोली क्यों रही है, इसका इंटेंशन क्या है। तो प्लीज़ अपने DM के साथ स्पिरिचुअल बातें ना शेयर करें। जब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी वो खुद आपके साथ स्पिरिचुअल बातें शेयर करना चालू कर देंगे, फिर अगर आप चाहें तो उनके साथ कुछ डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। तब तक के लिए अपनी खामोशी बनाए रखें। और देखते हैं गाइस कि क्या कुछ चीज़ों को सीक्रेट रहने देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं गाइस आप कार्मिक्स की क्या एनर्जीज है टूवर्ड्स DM मई के महीने में, कार्मिक्स की क्या एनर्जी है टूवर्ड्स DM। मैं ऐसे करने वाली हूँ कार्मिक और DF की रीडिंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली, शायद कल ही करे क्योंकि अभी आ गया है तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि, और थोड़े चार्म्स भी निकालेंगे ताकि पता चले किसके लिए है ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। कई मुझे DM का कार्मिक्स की तरफ एनर्जी ऐसा लग रहा है कि DM कार्मिक्स को सिर्फ एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रहे हैं, एक बर्डन की तरह देख रहे हैं कि कब ख़त्म होगा, कब मेरा इसके साथ एक कार्मिक जो रिलेशनशिप है वो कब ख़त्म होगा। स्टक फील कर रहे हैं वहाँ पर जानबूझकर, ऐसे वाला स्टक नहीं है कि DM स्टक है, बट कुछ जानते हैं वो, उन्होंने ये ऐसा किया है और जानबूझकर स्टक है वो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखकर भी स्टक है वो, तो जानबूझकर DM वहाँ पे स्टक है मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच रहे कि कब ख़त्म होगा ये सब कर्म, मैं कब निकलूँगा यहाँ से, मैं कब अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके वहाँ से निकल सकता हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊँ बीच में, है ना। कभी हमारे अच्छे टाइम्स हुआ करते थे, कभी हमारा सब कुछ अच्छा हुआ करता था, कभी बहुत सही हुआ करता था सब कुछ, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पर टिका के रखने के लिए, बट उनको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं यहाँ पर। वो लोग डिटरमाइंड है कि कुछ ना कुछ करना ही होगा अपने सिचुएशन के लिए, कार्मिक्स के लिए। उनकी एनर्जी यही है फिलहाल कि मतलब कुछ छोटा मोटा तो इसके साथ रखना ही होगा, स्पेशली अगर किड्स है तो ये भी सोच रहे हैं वो लोग कि अब कैसे भी करके वो रास्ते निकाल रहे हैं कि अपने आप को इस कार्मिक साइकिल से फ्री कर सके। ठीक है, अगर बच्चे तो बच्चों की वजह से स्टक फील कर रहे हैं और बच्चों के लिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी भी उनके अंदर एक हार्ट चक्रा अवेकनिंग हुई है, तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि
कब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है यहाँ पर, लेकिन कब ऐसा दिन आएगा जब मैं मूव ऑन कर पाऊंगा इस चीज से, ठीक है। तो उनको अवेकनिंग मिल रही है, वो ढूंढ रहे हैं कि क्या मैंने सही किया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत सारा जवाब चाह रहे हैं वो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कार्मिक्स की क्या थिंकिंग है डीएम की तरफ। कार्मिक्स की थिंकिंग ये है कि मुझे जस्टिस चाहिए। अब इसको क्यों जस्टिस चाहिए वो मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, इनको जस्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि पास्ट में इनको लगता है डीएम ने उनके साथ चीटिंग की है। तो उनको ऐसा लगता है कि हाउ डेयर ही, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैंने सबसे बेस्ट दिया हुआ है डीएम को, मैंने सब कुछ किया उसके लिए और इसने जा कर के किसी और को मतलब प्रायोरिटी बनाया, ऐसे हो कैसे सकता है। और मतलब पास्ट में सब ठीक था, पास्ट में मैं सब अच्छा चलता था और मुझे ऐसा लगता है वो डीएम उसको कितना भी बोल रहे हैं कि मैं अभी डीएफ से बात नहीं करता हूँ या डीएफ और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तभी भी कार्मिक्स का ध्यान कहीं और ही है। कार्मिक्स डीएम को कुछ ऑफर ही नहीं करना चाहते, कार्मिक्स डीएम को कुछ देना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे वुंडेड है, वो अभी भी दिमाग में ये सोच रहे कि मेरे डीएम ने डीएफ के साथ आखिर किया क्या, कहीं फिजिकल तो नहीं हो गए। उनको ट्रस्ट ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आज भी डीएम उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी खुश नहीं है डीएम के साथ। तो यही आ रहा है कार्मिक्स की एनर्जी टूवर्ड्स डीएम। अभी चार्म्स लेके देखते हैं गाइस किसके लिए ये एप्लीकेबल है। डीएम को आज भी लगता है, कार्मिक्स को आज भी लगता है कि डीएम उनको किसी और के साथ चीट कर सकते हैं और डीएम को तो प्यार चाहिए और डीएम को नरिशमेंट चाहिए, वो कहीं से भी लेंगे, ठीक है। ये उनको दिखाई दे रहा है और जब उनके झगड़े हो रहे हैं तो उनकी एंजाइटी भी बढ़ रही है। और देखते हैं गाइस क्या किसके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करता है। कुछ ज़्यादा ही चार्म्स आ गए हैं और अल्फाबेट्स आया है गाइस एन आर, ठीक है, और वी। एन आर और वी में अगर आपके डीएम का नाम है तो ये बहुत ज़्यादा आपको रेजोनेट करेगा। और गाइस मास्क पहने बैठे डीएम आपसे कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब जब भी के जाता है उसके साथ चाबी भी इसलिए आती है क्योंकि डीएम को पता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है और वो हमेशा के लिए केज्ड नहीं है, ठीक है। सिचुएशन को क्लैरिटी से देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी किया जा रहा है, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस के लिए आपके साथ है। गाने पैरिस और गिटार आ रहा है गाइस, मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो आपको डीएम म्यूजिक में मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं। लव आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा लव करते हैं वो आपसे, वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं और करियर में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये पर्सन। और लव फिर से आया है तो वो ट्रू लव को मिस कर रहे हैं गाइस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।